अमित शाह देश के नए गृह मंत्री बनने पर कई नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती हो, बंगाल की ममता बनर्जी हो या फिर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, सबके सब अमित शाह के गृह मंत्री बनने से हैरान परेशान जरूर होंगे। अरविंद केजरीवाल लंबे वक्त से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की मांग करते आ रहे हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में दिल्ली की सबसे बड़ी सरकार उपराज्यपाल है, जो कि केंद्र सरकार के ही अधिकारी हैं। दिल्ली में सभी फैसले, सभी अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ कार्रवाई का अधिकार उपराज्यपाल के ही पास है। यहाँ तक कि दिल्ली की नगर निगम भी केजरीवाल के पास न होकर उपराज्यपाल के नीचे काम करती है, और ऐसे में वो केजरीवाल की बात को माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली विकास प्राधिकरण हो या फिर कोई भी बड़ा विभाग, सब के सब उपराज्यपाल के अधीन रहते हैं। दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो वो भी उपराज्यपाल के जरिए गृह मंत्रालय के अंडर होती है। ऐसे में अब अमित शाह की दिल्ली पुलिस में काम करेगी। दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार बनी थी उसके बाद एंटी करप्शन ब्रांच को भी उपराज्यपाल को सौंप दिया गया था। जाहिर है अब दिल्ली में चपरासी से लेकर नौकर शाह की नियुक्ति, उनके तबादले और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उपराज्यपाल को है, और हर कोई जानता है कि अमित शाह इन सब मामलों में कितने सख्त हैं। ऐसे में केजरीवाल को अब हर फैसले के लिए अमित शाह की नजरों से होकर गुजरना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।